उत्तराखंड के बच्चों को पोषण युक्त भोजन देने के मकसद से राज्य सरकार ने 63वें केंद्रीकृत मिड डे मील किचन का शुभारंभ किया है। देहरादून में इस खास किचन का शुभारंभ हुआ है। इस कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी हिस्सा लिया। दरअसल देहरादून में अक्षय पात्र फाउंडेशन के सहयोग से सुधौला में मिड डे मील किचन बनाया गया है, जिसका उद्घाटन सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस किचन के पहले चरण में करीब 15,000 बच्चों को पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। आने वाले समय में 35,000 से अधिक बच्चों को भोजन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के मुताबिक इस किचन के शुभारंभ से बच्चों के जीवन और उनके शारीरिक विकास में काफी मदद मिलेगी। इस रसोई से देहरादून और आसपास के 120 सरकारी विद्यालयों के 15,000 से भी ज्यादा छात्र छात्राओं को पीएम पोषण कार्यक्रम के तहत भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। मुझे बताया गया आने वाले समय में इस क्षमता को विस्तार करते हुए 500 से अधिक सरकारी विद्यालयों को और 35,000 से अधिक बच्चों को सात्विक भोजन इससे उपलब्ध कराया जाएगा। अक्षय पात्र संस्थान बीते 20 से भी अधिक सालों से देश के बच्चों को पोषक आहार देने का ये सात्विक दान कर रहा है। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। आपकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। इस नवनिर्मित रसोई के शुरू होते ही अक्षय पात्र फाउंडेशन देश के 14 राज्यों के 20,000 से भी अधिक विद्यालयों को प्रतिदिन 19 लाख विद्यार्थियों को भोजन उपलब्ध कराने का आंकड़ा भी छू लिया है। बड़ी बात यह है कि इस रसोई को 2 एकड़ भूमि में 10 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। अगस्त के पहले सप्ताह से रसोई के जरिए देहरादून और आसपास के 120 सरकारी स्कूलों के करीब 15,000 छात्रों को मिड डे मील उपलब्ध कराया जाएगा। इस रसोई से अगले 6 माह में राज्य के 500 से अधिक विद्यालयों को कनेक्ट किया जाएगा और 35,000 छात्रों को मिड डे मील पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। छात्रों के पोषण का ध्यान रखते हुए भोजन का मेन्यू तैयार किया गया है, जिससे हर बच्चे को हर दिन 450 कैलोरी से ज्यादा ऊर्जा मिल सके। रसोई में आधुनिक मशीनों से भोजन बनाया जाएगा। भोजन बनाने का काम अनुभवी लोग करेंगे। इन मशीनों से एक बार में 1 क्विंटल आटा गूंथने के साथ 20,000 रोटी, 1200 लीटर दाल और 100 किलो चावल बन सकेगा। भोजन के निर्माण और बच्चों तक पहुंचाने के लिए रसोई में 150 कार्मिक तैनात किए जाएंगे। इनके जिम्मे पोषण युक्त खाना को बनाने के अलावा उसे बच्चों तक पहुंचाना होगा। राज्य सरकार की कोशिश है कि उत्तराखंड के बच्चों को अच्छा खाना मिले, पोषण युक्त खाना मिले, जिससे उनके शारीरिक और मानसिक विकास में सहयोग मिले। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।